हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम टू बी टू सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल टॉक अबाउट द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल कॉलेज ऑफ लॉ धुले गाइस ओनली कॉलेज दैट ऑफर्स द एलएलबी इन मराठी मीडियम यस गाइस आपने राइट सुना है कि अगर आपको एलएलबी एल परसू करना है और वो भी मराठी मीडियम से देन पूरे तीन साल ऑल थ्री ईयर्स यू कैन स्टडी इन मराठी मीडियम और जो आप अपना एग्जाम है वो भी मराठी मीडियम में दे सकते हो सो गाइज ओनली मराठी मीडियम का जो कॉलेज है वो है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेमोरियल कॉलेज ऑफ लॉ धुले इस कॉलेज के बारे में इन डिटेल बात करेंगे क्या इस पर्टिकुलर कॉलेज को आपको टारगेट करना चाहिए ऑल दो कैंडिडेट जो नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन से है उनको लगता है कि भाई इंग्लिश इज नॉट माय कप ऑफ टी देन कोई बात नहीं गाइस स्टिल आप एम एच लॉ सीई का एग्जाम तो मराठी में दे ही सकते हो लेकिन उसके साथ भी पूरे के पूरे तीन साल आप जो एलएलबी है वो भी मराठी मीडियम में कर सकते हो सो ऑल दो कैंडिडेट्स वॉन्ट एल एल बी इन मराठी मीडियम मित्रानों एकमात्र कॉलेज फक्त ही तुम्हारे है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइज इन डिटेल बात करेंगे इनकेस वन ऑफ प्रिपरेशन देन यू कैन ज्वाइन अस फॉर एम एच लो सिर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एट घाटकोर दादर एंड डोमिली फॉर ऑफलाइन प्रिपरेशन एंड इन केस यू वन इंटरेक्ट लाइव यू कैन ज्वाइन अवर ऑनलाइन बैचेस एज वेल गाइज जो भी आपके डाउट्स है कॉल मी ऑन एट थ्री एट थ्री एट वन एट 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 एंड आस्को ओवरऑल डाउट्स अगर आपको प्रिपरेशन करना इन मराठी लैंग्वेज देन ऑल्सो यू कैन इव आप हमारी लाइव बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो यू कैन गेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट डाउट क्लास मेंटरशिप गाइडेंस मोटिवेशन बुक्स एंड ई बुक्स एंड देर विल बी सेपरेट बैच कोई भी मिक्सिंग नहीं होने वाला गाइस सो so, जो भी आपको हेल्प चाहिए कॉल मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर गेट अल्टीमेट सक्सेस एट बी सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं वेस्ट खानदेश दलित शिक्षण प्रसारक मंडल्स डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेमोरियल कॉलेज ऑफ लॉ इट इज अफिलेटेड विद कावित्री भीनाबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव गाइज नैक ए ग्रेडेड यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है हालांकि ये इंस्टीट्यूट जो है नैक बी ग्रेड है कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज काफी अमेजिंग इंस्टीट्यूट है सिचुएटेड एट देवपुर धुले And, अगर मैं इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करूं इट स्टैब्लिश इन 1975 और इसकी स्टैब्लिशमेंट कैसे हुई डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जब धुड़े डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया था इन 1937 तो उन्होंने कहा था कि भाई यहां एक लीगल इंस्टीट्यूट की बहुत जरूरत है

एंड गाइज इट इज द ओल्डेस्ट इन खानदेश दॉर्थ महाराष्ट्र रीजन यस गाइज एंड ओनली कॉलेज दैट विल ऑफर दल बी इन मराठी मीडियम सो अगर आपको एल एल बी करना है देखो गाइज आपके पास दो ऑप्शन होते हैं आईधर यू कैन राइट योर पेपर इन इंग्लिश एंड आईदर यू कैन राइट इन मराठी सो ऑल दस कैंडिडेट भाई इंग्लिश टफ लग रहा है कोई बात नहीं एम एच लॉसिटी का प्रिपरेशन भी मराठी में करो और लॉ थ्री इयर्स भी पूरा मराठी मीडियम में आप कर सकते हो और यह है एस पर रेजुलेशन पास बाय द एकेडमिक काउंसिल ऑफ नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव इनके अकॉर्डिंग आप जो पेपर है वो मराठी लैंग्वेज में दे सकते हो सो भाई ये कॉलेज हमें टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कौन कौन से ये प्रोग्राम ऑफर करता है सो इस वेरी फर्स्ट वन कोर्सेस एंड सीट को लेकर बात करते हैं सो एल के लिए 120 है, जो कि आपका मीडियम होने वाला है यहाँ मराठी सो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट की तरफ से वन ट्वेंटी सीट्स है एल एल बी इनका अलग एक डिपार्टमेंट है जो अनएडेड डिपार्टमेंट है उसके थ्रू यहाँ सिक्सटी सीट है वो भी मराठी मीडियम में ठीक है अगर आपको इंग्लिश में लिखना है यू कैन राइट आपके पास एक ऑप्शन होगा जो नॉर्थ महाराष्ट्र जलगांव यूनिवर्सिटी है उनके थ्रू आपको क्या करना है जो मीडियम ऑफ पेपर है वो आपको सेलेक्ट करना है इंग्लिश के भाई मैं इंग्लिश में लिखने वाला हूं तो आप इंग्लिश में पेपर लिख सकते हो अगर आपको मराठी में लिखना है या मीडियम ऑफ एग्जाम आप मराठी चूज कर सकते हो ठीक है बी बी सिक्सटी सीट्स है यहाँ वो इंग्लिश मीडियम के थ्रू है ये गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है एल एल एम को लेकर यहाँ थर्टी सीट्स है काफ़ी सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी यहाँ ऑफर किए जाते हैं और ये मोस्ट प्रेफर्ड है एगैस इन नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉस डिप्लोमा इन लेबर लॉ एंड लेबर वेलफेयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर लॉ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यू इन एजुकेशन सो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आप यहाँ पर कर सकते हो अब बात करते हैं भाई फैसिलिटी को लेकर गाइस काफी फेमस इंस्टीट्यूट है काफी सारी फैसिलिटीज है जिमखाना मंडल एंड वेरियस एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय द मंडल चाहे वो क्रिकेट की हो वॉलीबॉल हो कबड्डी हो या चेस हो काफी सारे एक्टिविटीज मंडल की तरफ से कंडक्ट किए जाते हैं यहाँ जिम्नाजियम की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है लाइब्रेरी अमेजिंग है गाइज क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है इन नॉर्थ रीजन सो यहाँ आपको सब कुछ मटेरियल मिलने वाला है स्टूडेंट ग्रेवेंसिस रेड्रेसल सेल है जहां एकेडमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है सजेशन बॉक्स है सो इन केस कोई स्टूडेंट को कम्प्लेन करना है देन यू कैन राइट द लेटर एंड यू कैन पुट इट इन टू दी कम्पलेंट बॉक्स सो आपके जो भी डाउट्स है क्वेरीज है वो आपके स्टूडेंट ग्रेवेंस सेल के थ्रू सॉल्व हो जाएगी रिमेडियल कोर्स एंड स्टूडेंट काउंसिल स्टडी टूर्स एंड एक्सकरशंस आपको काफी सारी आस रहती है गाइज यहाँ से काफी सारे टूर्स भी यहाँ होते हैं आपके काफ़ी सारे विजिट भी होते हैं एट लीगल फर्म्स इवन लीगल इंस्टीट्यूशन एंड इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स लीगल एड एंड एडवाइस क्लिनिक की फैसिलिटीज़ यहाँ हैं कोर्ट सोसाइटी मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन काफ़ी अमेजिंग होता है गाइस यहाँ ओवरऑल नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन से काफी सारे कॉलेजेस यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं नेशनल लेवल के मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन यहाँ होता है इलोकेशन एंड डिबेटिंग सर्कल फ टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स एंड काउंसलिंग सेल दिन वो भी यहाँ मौजूद है गाइज सो ओवरऑल यहाँ स्टूडेंट्स का काफी अच्छा डेवलपमेंट होता है इंग्लिश स्पीकर क्लब ग्रीन क्लब और इको फ्रेंडली क्लब अर्न एंड लर्न स्कीम काफी कम इंस्टीट्यूट है जो आपको यह फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है बींग सलिसिटर्स या बींग एक्सपीरियंस कैंडिडेट आपके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप विदिन द कॉलेज कुछ काम कर सकते हो और उसके बेस पे आपको काफी अच्छा रिवॉर्ड भी मिल सकता है एनुअल गैदरिंग होती है काफी सारे एलुमनाई मीट्स होते हैं गवर्नमेंट कंसेशन एंड स्कॉलरशिप गाइज डोंट फरगेट ये महाराष्ट्र की कॉलेज है जो भी रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए काफी सारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी है स्कीम्स भी है एंड इवन स्कॉलरशिप्स भी है सो so, आपकी जो ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर है वो तो काफी कम है लेकिन फिर भी उसमें भी आपको काफी अच्छा कंसेशन मिल जाता है अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो और इन गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट उठाते हो सो ओवरऑल

बी सी एस सी एंड एस टी कैटेगरी देन गाइज फी स्ट्रक्चर यह काफी कम हो जाती है ड्यू टू ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज सो गाइज फी स्ट्रक्चर को लेकर चिंता करने की बात नहीं है बस आपको अच्छा स्कोर करना है इन एम एच लो सी ईयर्स और वो स्कोर कैसे लाना है कितना लाना है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे सो गाइज ओवरऑल वर्थ इट है अब एडमिशन प्रोसेस क्या है महाराष्ट्र विधि सीईटी तीन वर्षा ही परीक्षा तुम्हारा दी चाहिए सो so आपको एमएच लो सीटी थ्री ईयर का प्रिपरेशन करना है उसका एग्जाम देना है एग्जाम मोड जो है ये ऑनलाइन होता है टाइम ड्यूरेशन यहाँ वन ट्वेंटी मिनट्स है मीडियम इंग्लिश एंड मराठी दोनों लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हो गाइज मराठी में प्रिपरेशन करना है देन यू कैन ज्वाइन अवर बैच

एटलीस्ट 90 मार्क्स तो आप स्कोर करो ताकि आपका फर्स्ट राउंड में जो एडमिशन है वो इजीली हो जाए गाइज मराठी मीडियम को लेकर थोड़ा सा ऑफ कम जरूर जा सकता है 75 टू 80 लेकिन आपको हमेशा टारगेट करना है 90 टू 100। इसके बीच रहोगे गाइज क्योंकि देखो कंपटीशन टफ होते जा रहा है सो so, जितना अच्छा आपका स्कोर रहेगा आपके चांसेस उतने अच्छे रहेंगे सो so, गाइज स्टार्ट प्रिपरेशन विध बी एड करते हैं जिसे हम कहते हैं कैप राउंड सो एक्टली क्या होता है यू हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन आप ऑनलाइन रजिस्टर करोगे दैट मीन कैप पोर्टल पर वहां आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करोगे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे आपको प्रेफरेंस में उस कॉलेज का नाम देना है आप उस पर्टिकुलर कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हो सो so, उस पर्टिकुलर कॉलेज को सेलेक्ट करना है अगर आपने रिस्पेक्टिव कट ऑफ क्रैक किया है देन गाइस आपको वो सीट अलॉट हो जाएगी बस आपको फ्रीज करना है दैट मीन्स आप एडमिशन ले रहे हो अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिली है देन सेकेंड राउंड में आप उसे ले सकते हो तो उसके लिए क्या करना है फ्लोट करना है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है फिर सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है दैट इज रुपीज़ थाउजेंड बस थाउजेंड रुपीज़ पे करना है और अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में विजिट करके एडमिशन ले लेना है सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ वेरीफाइड करना है सो गाइज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट में से हमारा एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सके सो so गाइज आप

अदरवाइज सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड गाइज दिस कॉलेज इज वर्थ इट काफी सारे अमेजिंग लीगल इंस्टीट्यूट लीगल फर्म्स यहाँ विजिट करते हैं सो उनका आप बेनिफिट उठा सकते हो दिस इज द टॉप कॉलेज इन नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन यस गाइज सो ऑलवेज ट्राई फॉर द टॉप कॉलेज एंड दैट इज नथिंग बट द डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेमोरियल कॉलेज ऑफ लॉ धूले so start preparation for it join us at Dombu league ghatkopar and dada for offline preparation and in case you want online preparation call on 838381-8888. don't forget to download our app where you will get free mock and free resources and for all the updates and notifications follow us on youtube facebook insta and telegram that's all guys all the best for your career see you in the next video